मैजिक फिशिंग मैट। अरे ये सब बाहर क्यों आ रहा है? एनीवे डोर, बाहर आ जाओ। अरे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे नोबिता? वो दरअसल लिफ्ट से उतरकर समुद्र का निचला भाग आता है। समुद्र के अंदर देखने के लिए वहाँ ग्लास की ये मोटी दीवारें हैं, जहाँ से समुद्र की मछलियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। देखो तो सही। बस अब मैं यही बंद कर देता हूँ, ठीक है? समुद्री पार्क कितना सुंदर है ना? जब तक तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे समझोगे नहीं। फिर हमने सोचा कि एनीवे डोर की मदद से हम वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। इंडोर मैजिक फिशिंग मैट से तुम मछली पकड़ना, स्मॉल लाइट से तुम उसे छोटा करना और मिनी एक्वेरियम बनाना। तुम उन्हें सबमरीन की मदद से देखने की सोच रहे थे ना? तुमने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा सोचा। अरे हाँ सही का डोरेमोन। चलो हम समुद्री पार्क बनाते हैं जिसे सुनिया ने देखा ही नहीं होगा। पकड़ ली मछली। अरे अरे शायद ये बड़ी मछली है। अरे आ जाओ। अरे नहीं, तुम ठीक तो हो ना? आज मेरा दिन ही अच्छा नहीं है, सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुमने सब गड़बड़ कर दी, ये पूरी तरह से भीग गई है। पूरा कमरा गीला हो गया है। दूसरी तरह से कोशिश करते हैं। हमें पहले छोटी मछलियों को देखना होगा। फिर हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? इस नेट को हम सबमरीन पर लगा देंगे। ये समुद्र में घूमेगा और सारी मछलियाँ पकड़ लेगा। ये बहुत आसान है। सच में? ये आ गई। चलो देखते हैं। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ आई हैं। लेकिन मछलियाँ कहाँ हैं? छोटी हो गई है। ये तो इतनी छोटी हो गई है कि मैं इन्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ। जब हम भी छोटे हो जाएंगे तो इन्हें देख पाएंगे। सबमरीन को पानी के हिसाब से बड़ा कर दो। हाँ अब ये ठीक है। चलो। देखा यहाँ कोई मछली नहीं है। चलो इसे छोटा कर देते हैं। अरे वाह! ये नजारा तो असली वाले समुद्री पार्क में भी देखने नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। लगता है वो शायद। अरे ये तो एनिमिनी है। अरे वो कौन सी मछली है? ये वाली है पोर्क्यूपाइन फिश। कितनी कवच की तरह लग रही है। अब ये कौन सी है? इसे कहते हैं सनफिश। ये बहुत तेज तैरती है नोबिता। वहाँ देखो वो शायद व्हेल है ना? तो चलो। कितनी बड़ी है ये समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, वो भी दांतों के साथ। बताओ कि हम कहाँ छिप सकते हैं? हम डूब गए हैं डोरेमोन। अरे नहीं ये क्या कर रहे हो? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई समुद्र में हैं। हम इतने छोटे जो हो गए हैं। अरे नहीं, मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी है जिसमें मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हम एनीवे डोर से बाहर जा सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था। अरे क्या हुआ? नोबिता।
जाकर जरा सब्जियां लाना। मदद कीजिए। पता नहीं नोबिता कहाँ चला गया। ये क्या क्या है ये? अरे नहीं। पता नहीं ये क्या है। एक बार नोबिता मिल जाए तो सबक सिखाऊंगी उसे। अब हम क्या करेंगे? नोबिता तो अभी घर पर नहीं है, तुम लोग अंदर इंतजार करो। शुक्रिया आंटी। वो लोग कहाँ पर जा सकते हैं? अरे नहीं, वो दोनों अकेले चले गए क्या? उन्हें तो मैं। अरे नहीं नहीं, अरे नीचे देखो। हम इतने छोटे हैं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं सुन पाएंगे। अरे हाँ, मेरे पास सोनिक सॉलिडिफायर है, ये देखो डोरेमोन। अगर वो इसे देख सके तो अच्छा होगा। एक दो। हाँ, देखो लेटर्स दे रहे हैं। LPHE, इसका क्या मतलब है? सुनो, शिज़ुका, जियान। देखो फिर से कुछ तैर रहा है। तुम बहरे हो जियान? ये हिम्मत। हम बच गए। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया जियान। रिपोर्ट चिंपांजी। तत्तरत्र, मॉम मैंने रूप साफ कर लिया है। अरे वाह, तुम कितने समझदार हो। क्या सफाई में तुम मेरी जरा मदद करोगे? इसे साफ करने के कितने मिलेंगे? क्या इना मॉम, मुझसे ही गलती हो गई, मैं ही करती हूँ। अब मुझे परेशान मत करो। अब तो वो नाराज होंगी ना नोबिता, तुम्हें पैसे के लिए मदद नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है। मैं ये बात जानता हूँ। क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो नोबिता? तुम्हें पता है डोरेमोन गोरो गोरो कॉमिक का नया वर्जन आने वाला है। क्या? तो ये यूनिवर्स रोनिन AKO-47 का आखिरी भाग है। ये 47 रोनिन की आखिरी लड़ाई है। इसमें यूरा, ओबोशी और मोनोरो आर्मी ग्रुप शामिल है। लेकिन मेरे पॉकेट मनी में सिर्फ 30 रुपए बचे हैं। अरे ऐसी बात है तो पहले ही बोलना चाहिए था, ये कॉमिक तो मेरी भी फेवरेट है। गोरो गोरो कॉमिक सारी मिल जाएगी। अरे हाँ, मेरे पास इसके लिए कुछ है। ये किस तरह की डॉल है? ये उन्हें ढूंढेगा जो हमें इनाम देंगे, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो। लेकिन तुमने तो कहा था ये अच्छी बात नहीं है। किसने ऐसा कहा? अगर तुम किसी के लिए अच्छा काम करते हो तो इनाम मिलना अच्छी बात होती है। इसे चलाना काफी आसान है। चलो उस तरफ। ओह नोबिता, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, क्या तुम मसाज कर दोगे? डैड मुझे इसके लिए कभी पॉकेट मनी नहीं देंगे। एक बार कोशिश करके तो देखो। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, काफी बढ़िया लग रहा है। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। पर मुझे तो लगा था। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। दोनों ने बहुत मेहनत की। शुक्रिया डैड। आपको शुक्रिया डैड। ये तो 50 रुपए है। हाँ ये 50 रुपए है। चलो हम और जमा करते हैं, और पॉकेट मनी चाहिए। अरे रोनिया, अरे जूलियट, मुझे खींचो मत। क्या क्या हुआ आंटी? मेरा रोमियो उस तरफ कहीं चला गया है, उसे ढूंढ कर ले आओ प्लीज। आप चिंता मत कीजिए। चलो हम उस डॉगी के लिए छोटा सा केक लेकर आते हैं। वो इन पाइप्स के पीछे हो सकता है, हम दोनों तरफ से पकड़ने जाएंगे।
ही काम करके पॉकेट मनी कमाएंगे। प्लीज ऐसा कोई ढूंढो जो हमें ज्यादा ही नाम दे। ए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं अभी एक शो शुरू करने वाला हूँ, बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें यहाँ बस खड़े रहना है और फिर मैं इस तीर से ये गुब्बारे फोड़ूंगा। बाद में मिलते हैं। हाँ, सिर्फ दो कॉमिक्स बचे हैं। हमें जल्दी करना होगा नोबिता। यहाँ पर ये तो जियान का घर है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो। मॉम ने मुझे दुकान साफ करने को कहा है, अब तुम मेरी मदद करोगे। डोरेमोन, मुझे नहीं लगता जियान इसके लिए पॉकेट मनी देगा। हमें रिबॉट चिंपांजी पर विश्वास रखना चाहिए। अच्छे से सफाई करना समझे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या? हमने कर दिया। अब कॉरिडोर साफ करो। अब बाथरूम में सफाई करो, बगीचा भी साफ करना, और मुकु को बाहर घुमा कर लाओ। वाह, तुमने तो बहुत मेहनत से काम किया। मैं वापस आ गई। अरे वाह, कमरा साफ हो गया। मैंने कॉरिडोर, बाथरूम और बगीचा सब साफ कर दिया। हा? जैसे कि मैंने वादा किया था। शुक्रिया, तुमने इतना काम किया। शुक्रिया मॉम, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। ये लो तुम्हारा इनाम। ये रहा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हमें जियान की मदद नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ एक कॉमिक बची है। हमें जल्दी पैसे जुटाने होंगे नोबिता। पर प्लीज इस बार ध्यान रखना। ये कैसी लाइन है? ये डोनट की दुकान लगती है। ए बच्चों। हाँ बोलिए। क्या तुम हमारी जगह इस लाइन में खड़े हो सकते हो? हम तुम्हारा आगे दुकान में इंतजार करेंगे। इसके लिए दोनों को 100 रुपए दूंगा। क्या? सिर्फ लाइन में खड़े रहने के लिए 200 रुपए? हम गोरु गोरु का भी खरीद सकते हैं। हमने कर दिया। ठीक है, तो डील पक्की हुई। क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस गिर गई थी। शुक्रिया बेटा। स्टेशन का रास्ता इस तरफ है क्या? जी हाँ। अगर आप यहाँ से चलकर जाएंगे तो 15 मिनट लगेंगे। अरे हाँ, तब तो मैं चलती हूँ बेटा, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। अंकल हमें माफ कर दीजिए। ये हमें दीजिए। अपना ध्यान रखिए।